विजय रूपानी गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे। गांधीनगर में गुजरात बीजेपी के विधायक दल की बैठक में सीएम आनंदीबेन पटेल ने मुख्यमंत्री के रूप में विजय रूपानी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। नितिन पटेल को विजय रूपानी सरकार के लिए डिप्टी सीएम चुना गया है। मुख्यमंत्री पद के लिए विजय रूपानी इनका नाम प्रस्तावित किया। उप मुख्यमंत्री पद के लिए नितिन पटेल इनका नाम प्रस्तावित किया। पहले नितिन पटेल को सीएम बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आनंदीबेन पटेल ने नितिन पटेल के नाम पर ऐतराज जताया था। वो विजय रूपानी के नाम पर अड़ गईं। इसके बाद विजय रूपानी को चुना गया। विजय रूपानी और नितिन पटेल दोनों आनंदीबेन पटेल सरकार में मंत्री रह चुके हैं। असम के कोकराझार में हुए आतंकी हमले में 13 लोग मारे गए हैं, जबकि 18 घायल हुए। हमला दोपहर करीब 12 बजे कोकराझार के बालाजान के तिनियाली इलाके में हुआ। भरे बाजार में 3 आतंकियों ने लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की। पास ही मौजूद सेना और पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक आतंकी को मार गिराया गया। पुलिस के मुताबिक मारा गया आतंकी उग्रवादी संगठन NDFB से है। करीब 12 लोग प्राण गंवाए गए हैं और हमारी जो सिक्योरिटी ऑपरेशन है उसमें भी एक मिलिटेंट वहीं न्यूट्रलाइज किया गया और उसके पास से कुछ AK-56 ग्रेनेड वगैरह भी पाए गए हैं। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री को कहा है कि उसका पता लगाया जाना चाहिए कि कौन सी ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने इस प्रकार की नापाक हरकत की है और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पीएम मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह को आतंकी हमले की जानकारी दी। पीएम ने हमले पर दुख जताया। असम सरकार ने हमले में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। जिन्होंने अपने बलिदान दिया है उस फैमिली के लिए हम लोगों ने कंपेंसेशन के हिसाब से 5 लाख रुपए देने का निर्णय किया और जो जो इंजर्ड हुआ है उनके लिए 1 लाख का हम लोगों ने ये किया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा कि इस्लामाबाद में उन्होंने आतंकवाद पर भारत की चिंताओं को सार्क देशों के सामने रखा। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पड़ोसी है कि मानता ही नहीं। जितना सब कर सकते थे पड़ोसी के साथ रिश्ते बेहतर बनाने के लिए हमारे सभी प्रधानमंत्रियों ने किया है, लेकिन विडंबना यह है अध्यक्ष महोदय कि हर के बावजूद यह पड़ोसी है कि मानता ही नहीं। राजनाथ सिंह के मुताबिक उन्होंने सम्मेलन में आतंकवाद, साइबर क्राइम और नशीली दवाओं की तस्करी का मुद्दा मजबूती से उठाया। गृह मंत्री ने कहा कि भगवान पाकिस्तान को सद्बुद्धि दे। सार्क के सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वे आतंकवाद को न तो ग्लोरीफाई करें न ही पेट्रोनेट दें। एक देश का आतंकवादी किसी के लिए भी मार्टायर या स्वतंत्रता सेनानी नहीं हो सकता। पाकिस्तान पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह के कड़े रुख का कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने समर्थन किया है। कांग्रेस और जेडीयू ने पाकिस्तान में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हुए बर्ताव पर नाराजगी जताई और निंदा की। इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारा हिंदुस्तान का रोल है उसके हिसाब से भी अगर वो प्रोटोकॉल नहीं दिया गया तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं। पूरे देश की तरफ से शिरकत करने का था और जिस तरह वहाँ प्रोटोकॉल से लेकर के हर चीज में पाकिस्तान का जो व्यवहार था उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि सरकार को पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करना चाहिए। टीएमसी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर वो पूरी तरह सरकार के साथ है। समाजवादी पार्टी ने इस्लामाबाद में गृह मंत्री के बयान की तारीफ की। मैं माननीय गृह मंत्री जी से ये चाहूंगी कि आप माननीय प्रधानमंत्री से बात करके तो भारत पाकिस्तान के जो संबंध है तो उन संबंधों को लेकर जो अभी तक नीति बनी हुई है क्या इसके ऊपर कुछ थोड़ा सा पुनर्विचार करेंगे। माय क्वेश्चन इज हाउ इंडिया इज गोइंग टू एंगेज विद पाकिस्तान इन द कमिंग डेज। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों की जंग पर गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके कहा है कि कोई भी फैसला लेने से पहले उसका पक्ष भी सुना जाए। गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ किया था कि उपराज्यपाल ही दिल्ली के प्रशासनिक प्रमुख हैं। कोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल सरकार कोई भी कानून या नोटिफिकेशन राज्यपाल की अनुमति के बिना नहीं जारी कर सकती। LG नजीब जंग ने कहा है कि केजरीवाल सरकार को अपने फैसलों पर विचार करना चाहिए। जो फैसले गलत हैं वो उनको दुरुस्त करने पड़ेंगे और उसके लिए हम लोग उस फाइलों की मांग करेंगे। हाई कोर्ट के फैसले के बाद AAP ने नाराजगी जताते हुए दिल्ली के लोगों से अपनी समस्याओं को लेकर CM अरविंद केजरीवाल की बजाय उपराज्यपाल नजीब जंग के पास जाने को कहा है। सऊदी अरब में फंसे 10,000 से ज्यादा भारतीयों की मदद के लिए जिद्दा गए विदेश राज्य मंत्री VK सिंह कल सुबह 5 बजे वापस लौटेंगे। इससे पहले सऊदी सरकार ने भारत लौटने वाले भारतीयों को अपने खर्च पर भेजने का वादा किया और आश्वासन दिया है कि भारतीय नागरिकों की योग्यता के आधार पर उनके लिए नौकरी की व्यवस्था की जाएगी।
सऊदी अरब सरकार ने भारतीय कामगारों की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक इन क्राइसिस मैनेजमेंट टीम का गठन किया है। The Saudi authorities have themselves clarified that they are going to be very prompt in addressing all the humanitarian issues being faced by Indian workers. इससे पहले विदेश राज्य मंत्री वी के सिंह गुरुवार को मक्का के एक राहत शिविर में भारतीय कामगारों से मुलाकात करने गए और उनकी समस्याएं सुनी।